कितना हो गया भैया? 60 रुपये मैडम। 60 रुपये बेवकूफ समझ के रखा है क्या? 30 रुपये से ज्यादा का नहीं है ये। अरे कैसी बात कर रही है मैडम, 30 रुपये में तो हमें माल मिलता है, मार्केट में 60 रुपये ही रेट है। अच्छा, मैं तो जैसे मार्केट जाती ही नहीं, और अपनी क्वालिटी देखी तूने नारियल की, मैं 30 रुपये ही दूंगी। मैडम आपको रेट पहले पूछना चाहिए था, अब आपने पानी पी लिया है और कह रही है कि सिर्फ 30 रुपये देगी, तो गलत है ना? क्या गलत बात है इसमें? और तूने मॉल पे लगा रखी अपनी दुकान जो 60 रुपये में दूं मैं तुझे? रोड के पास छोटी सी रेड़ी लगा रखी है और दाम ऐसे जैसे प्रीमियम नारियल बेच रहा है, मैं 30 रुपये ही दूंगी। पकड़ी नहीं हो पाएगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? आराम से ले ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। मैम समझिए आप, अपनी बकवास बंद करो। पकड़ इसे। अरे यार तुझे नारियल भी नहीं बेचना था? ले मुझे तो, मैं बताता हूँ। मैडम बस एक मिनट, अभी आपको उच्च क्वालिटी का प्रीमियम नारियल देता हूँ। देना भाई, देख मैडम का पारा हाई हो रहा है। पर मैं बस एक मिनट, 30 रुपये पड़े। ये लीजिए मैडम, अब इसमें शक्ल भी देखी जा सकती है, उच्च क्वालिटी का प्रीमियम नारियल। पर टिश्यू से साफ करने से क्या होगा? बात तो सही है मैडम आपकी। वो दे ये। हाँ डाल इसमें। ये लीजिए मैडम, वेल पैक्ड प्रीमियम नारियल। अभी भी दिक्कत है भाई? और क्या अपने पास? और क्या? ये लीजिए मैडम, अब तो ये 60 रुपये का पक्का नारियल है ना। पर ये सब लगाने से नारियल बदल थोड़ी ना जाएगा। बात में दम है भाई, पॉइंट टू बी द नोटेड। और क्या अपने पास? ये क्या छतरी है? बच्चे ने बनाई। दे निकाल। अरे वाह, तो ये लीजिए मैडम, आपके पास वेल पैक्ड प्रीमियम छतरी वाला नारियल। अब तो ये 60 रुपये से भी ज्यादा का है मैडम, ये लो। दिमाग सही है आपका, ये वही सेम नारियल है, इसे सजाने से, इस पर ये छतरी लगाने से इसकी कीमत 60 रुपये से ज्यादा कैसे हो गई? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, पता है आपको? सही बात है मैडम, कुछ भी। मैडम ये वही नारियल है जो आप मॉल में जाकर लेती हैं, अगर वहां पर इसकी कीमत आपको 150 रुपये बता दी जाए तो आप बिना बार्गेनिंग के उसे पे कर देंगी, लेकिन यहाँ पर आपको 60 रुपये देते हुए दिक्कत हो रही है। मैडम मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं कि नारियल 60 रुपये का है, लेकिन ये नारियल आपको किसी मॉल या रेस्टोरेंट में ना जाकर यहाँ मिल रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि इसके साथ बार्गेनिंग कर ली जाए, मोल भाव कर लिया जाए। मैडम इस हिपोक्रेसी को प्लीज़ बंद कर दीजिए। 30 रुपये बचा कर अगर आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो गया, तो इसमें इनका बहुत बड़ा नुकसान है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट मॉल में जाते हैं, वहाँ पर कभी बोलते हैं कि 1000 रुपये की शर्ट 300 रुपये की दे दें, 1000 रुपये का खाना 300 का दे दें, कभी होता है ऐसा? कभी नहीं बोला होगा। एक रेडी वाला दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है और आप सब इनके साथ ये कर रही है। आई एम सॉरी मैडम, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो इनके हक के जो पैसे, प्लीज इन्हें पे कर दीजिए। I'm sorry. कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। धन्यवाद। नाइस वन। प्लीज डोंट बार्गेन विद पुअर स्ट्रीट वेंडर्स, दे सेल प्रोडक्ट्स एट वेरी लेस मार्जिन्स। And they don't do business to buy expensive houses and big cars. They do business for their daily living and survival. So please stop bargaining with them. That's it for this film. I'll see you guys next week.